लो गाइस, सबसे पहले तो व्यू चेक करो। लो जी, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो चर्च। लो जी, ये तो आपने बहुत पिक्चर वगैरह में यहाँ पे घोड़े दिखेंगे, तो ये 100 रुपये पर हेड लेते हैं। अगर आप यहाँ जगराओं में इनका घर भी है और आप सो। हेलो जी, नया दिन और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आज हम आपको घुमाएंगे रिज और लक्कड़ बाजार गाइस। तो वीडियो को सारे लास्ट तक जरूर देखना। अभी निकलते अपनी राइड के लिए। दिन की शुरुआत होती है स्कैंडल पॉइंट से जी। लो जी, अभी हम खड़े हैं। अगर आप इस तरफ जाओगे तो आप माल रोड घूम सकते हो, अगर ऊपर जाएंगे तो रिज जहाँ पे चर्च बनी हुई है, आपको अभी वहाँ भी लेकर चलते हैं। और अगर यहाँ की बात करूँ, लो जी देख लो, लाला लाजपत राय, जैसे कि आप सभी को पता है पंजाब केसरी, और ये जगराओं में इनका घर भी है। और आप अगर देखना चाहते हो आप वहाँ भी आकर देख सकते हो। तो ये तो यहाँ उनकी पिक्चर लगी हुई है। और अगर मैं इस रास्ते की बात करूँ तो इधर से पहले तिब्बतन मार्केट, जो अभी की अजैविका भवन में लिफ्ट के पास शिफ्ट कर दी गई है, आप वहाँ हमारा पुराना ब्लॉग भी देख सकते हो, वहाँ पे हमने किया भी हुआ है। तो लो, अभी चलते हैं हम रिज की तरफ गाइस। अभी आगे बढ़ रहे हैं। लो जी, ये देख लो कितना सही लग रहा है। आज तो धूप निकली हुई है, सो मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है। रात को ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है, इस टाइम तो मौसम अच्छा है पूरा। अगर आप माल रोड पे आ रहे हो तो यहाँ पे वॉशरूम की भी फैसिलिटी है। अगर आप वॉशरूम वगैरह जाना चाहते हो तो आप यहाँ से नीचे होकर वॉशरूम भी गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं। और अभी अगर ये जहाँ की बात करूँ रिज की, तो सबसे पहले ये देखो जी, झंडा इंडियन फ्लैग कितना सही लग रहा है। और हवा चल रही है ना, तो पूरा हवा में है, देख लो जी। अभी चलते हैं आगे, आपको आगे का भी रिज दिखाते हैं। आज आपको सारा रिज अच्छे से कवर कराएंगे। अगर आप यहाँ से नीचे उतर जाओगे तो आपको मॉल का रास्ता मिल जाएगा जी। और अभी हम चलते हैं आगे। ये है गेटी थिएटर गाइस, ये आप देख लो। अगर आप यहाँ हो तो यहाँ पिक्चर वगैरह बहुत अच्छी आती है और रात का व्यू भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप देखना चाहोगे तो रात को भी आकर यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। और अगर टाइमिंग की बात करो तो 9 बजे तक सारा शिमला ऑफ हो जाता है, तो आप 9 बजे से पहले आकर यहाँ अपना फूड वगैरह खा सकते हो। लो जी, अभी हम आगे प्रॉपर रिज पर, जहाँ पे आपके सभी लोग पिक्चर वगैरह भी क्लिक करते हैं, रीलें वगैरह भी बनाते हैं। और जो इधर देख रहे हो, ये है गुफा रेस्टोरेंट। यहाँ पे फूड वगैरह रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। और जो वहाँ लिखा है कुल्लू शॉल, वहाँ पे आपको शॉल वगैरह हिमाचल ट्रेडिशनल स्टाइल की भी मिल जाएंगी। तो अभी हम चलते हैं आगे। और अब इधर से भी आगे जाओगे तो आपको मॉल का रास्ता मिल जाएगा। लो जी, सबसे पहले तो फ्लैग देखो आप, कितना सही लग रहा है। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं रिज पे क्या क्या करने को, और आपको भी दिखाते हैं जी। लो जी, आप रिज देख सकते हो, वो सामने चर्च। और अभी चलते हैं, आपको इधर भी दिखाते हैं, वहाँ के उधर से ना व्यू बहुत सही आता है, आपको उधर का भी दिखाते हैं। लो जी, यहाँ पे बना है अटल बिहारी वाजपेयी जी की पिक्चर, जिनको भारत रत्न से भी जाना जाता था। और यहाँ बैठने के लिए बेंचेस वगैरह भी लगाए हुए हैं, ताकि धूप वगैरह का अच्छे से इंजॉय हो सके। लो गाइस, सबसे पहले तो व्यू चेक करो। लो, और काम भी चल रहा है, इन फ्यूचर यहाँ पे लिफ्ट बनने जा रही है, जो सीधी हाईवे से यहाँ माल रोड ब्रिज तक ऊपर लेकर आएगी। लो जी, व्यू चेक कर लो। और अभी चलते हैं आगे, आपको आगे का भी दिखाते हैं। अगर आप यहाँ रिज पे आ रहे हैं तो यहाँ पेड फोटोग्राफी भी हो जाती है। इनके पास ना ट्रेडिशनल क्लोथ कपड़े वगैरह होते हैं, इनके जो ट्रेडिशनल स्टाइल के होते हैं, आपको ये रेंट पर देकर आपका यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह कर देते हैं। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, और धूप भी प्रॉपर निकली हुई है। और अभी चलते हैं हम चर्च के पास, आपको चर्च के पास का भी दिखाते हैं जी। लो जी, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो चर्च। लो जी, ये तो आपने बहुत पिक्चर वगैरह में और लोगों के जब घूमने आते हैं तो यहाँ पे आते ही आते हैं रिज पे, और यहाँ पे फोटोग्राफी जरूर करते ही करते हैं। और अब चेक कर लो, काफ़ी लोग यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। और ये लोग अब टूरिस्ट तो इन दिनों में थोड़ा सा कम हुआ हुआ है। और ये मंकी देख लो जी, ये भी यहीं पर ऐसे ही रहते हैं। और अगर आप जाकू टेम्पल जाना चाहते हो तो आपको ये रास्ता भी मिल जाएगा, आप इधर से ऊपर जा सकते हो। और अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं, अगर आप यहाँ कर बैठ कर इंजॉय वगैरह करना चाहते हो तो अपना फ्रेंड और फैमिली के साथ बैठ कर इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे बेंच लगाने का और रीज़न भी है, आपको यहाँ पे लोकल लोग भी मिल जाएंगे और टूरिस्ट भी मिल जाएगा। और शिमला में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे जिनके घर में धूप नहीं आती, तो वो यहाँ पर आकर इंजॉय करते हैं धूप का। तो आपको चर्च के आगे भी लेकर चलते हैं। और अभी ये जो आप जगह देख रहे हो, यहाँ पर ना अलग अलग टाइम पर एग्जीबिशन भी लगती रहती है, अगर आप जाओ तो यहाँ एग्जीबिशन लगी होगी। और अब आगे चले जाओगे तो इधर छोटा शिमला आ जाएगा जी। और अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं लक्कड़ बाजार। लक्कड़ बाजार में भी दिखाते हैं आपको क्या क्या मिलता है और कैसे कैसे क्या क्या होता है।
जब आप रिज पे आओगे ना तो आपको यहाँ पे घोड़े दिखेंगे। तो ये 100 रुपये पर हेड लेते हैं। अगर आप यहाँ पे झूठा लेने चाहते हो तो ये आपको वॉक करा देते हैं वहाँ तक जहाँ पर फ्लैग लगा है, एक दो राउंड दे देते हैं 100 रुपये में। अगर आप भी यहाँ पर आके हॉर्स राइडिंग करनी चाहते हो तो ये करवा देते हैं। काफ़ी घोड़े होते हैं यहाँ पे, तो आप जहाँ मर्जी जिस मर्जी कलर के घोड़े पर आकर इंजॉय जहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। सो अभी चलते हैं हम लकड़ विहार की तरफ, आपको लकड़ विहार का भी दिखाते हैं वहाँ क्या क्या होता है। लकड़ विहार सोचकर आपको क्या नजर आएगा सबसे पहले तो ये बताओ। लकड़ विहार में है लकड़ी की ज़्यादा आइटमें, लकड़ी की बनी हुई आइटमें मिलती हैं यहाँ पे। सो अभी आपको लकड़ विहार लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ क्या क्या है। गाइस चलते हैं लकड़ विहार, वहाँ दिखाते हैं। लकड़ विहार में आपको खाने पीने की और शॉपिंग की काफ़ी आइटमें मिल जाएंगी। और अगर यहाँ पे बात करें तो देख लो वेज मोमोज, आलू टिक्की वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और ये लो रून के बने हुए आपके यहाँ जो शू वगैरह ये देख लो। अरे तो आपको याद भी तो चाहिए ना यहाँ की, तो ये लो गिफ्ट ऑफ शिमला और आप काफ़ी आइटमें मिल जाएंगी यहाँ को आपको। तो ये लो जी बच्चों के लिए खेलने वगैरह के टॉयज वगैरह भी हैं। और ये लो ये इनके ऊपर ना नाम भी लिख देते हैं वुड के ऊपर ना, अगर अपने नाम वगैरह लिखवाना हो तो वो भी लिखवा सकते हो। और अगर यहाँ की बात करूँ ऊपर शेरे पंजाब, शेरे पंजाब में तो गाइस काफ़ी कुछ लेस वगैरह देख लो, थाली 80 रुपये, शिमला जैसे शहर में 80 रुपये थाली मिल रही है आपको तो कितना सही है देख लो जी। और इनकी आइसक्रीम भी जो अगर सॉफ्टी की बात करूँ तो 100 की 3 देते हैं ये। अगर आप रिज पे खाओगे तो 100 की 1 है, और अगर यहाँ शेरे पंजाब पे आगे खाओगे तो 100 की 3 मिलती है जी। आओ अभी चलते हैं आगे, यहाँ पे भी बैठने के लिए कस्टमर के बनाया हुआ है। अगर यहाँ बैठकर किसी ने फूड वगैरह खाना हो या टाइम पास करना हो तो यहाँ पे है। और लो जी यहाँ का व्यू चेक कर लो, वो व्यू भी काफ़ी अच्छा आता है। लकड़ बाजार में ऊपर है रोलर स्केटिंग रिंग, आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कैसी होती है रोलर स्केटिंग। आई होप आपको अच्छी लगेगी, चलते हैं अंदर गाइस। लो जी कुछ ऐसी एंट्री है अंदर की। अगर आपने अकेली रोलर स्केटिंग देखनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आप करने चाहते हो तो उसकी मैं टिकट आपको ऊपर जाकर बताता हूँ। लो जी देख लो ऊपर रोलर स्केटिंग का ग्राउंड, ये जहाँ अभी तो कोई नहीं कर रहा और टूरिस्ट कम है ना, सो इसलिए लोकल वाइज तो कम करते हैं और टूरिस्ट यहाँ पे अभी आजकल कम है, सो भी कोई नहीं कर रहा। अगर आप करें तो 150 चार्ज करते हैं पर हेड का, और आप यहाँ पे आके रोलर स्केटिंग कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं बाहर लकड़ बाजार में, फिर मिलते हैं आपको।